मैं तो कह ही चुका हूँ कि जेजेपी पार्टी को मैंने चुनौती दी है, प्रदेश में 90 सीटें हैं, वो किसी से एक सीट से भी अपनी जमानत बचाए अगली बार, वो ये विश्वासघाती पार्टी साबित हुई है। अब वो तो चुनाव होने दो, ये फैसला तो पब्लिक ने करना है, दीपेंद्र हुड्डा कैसे फैसला कर सकते हैं, क्या वो ईवीएम के कोड है क्या? चुनावी साल हो, लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए कुछ ही महीने बाकी हो, नेताओं की बयानबाजियों से सियासी गलियारे ना गूंजे ऐसा हो ही नहीं सकता। सियासतदान अपने विपक्षी दलों पर आरोप ना लगाए ऐसा भी असंभव है, और जब तक कोई नेता दूसरी पार्टी के नेताओं को खुली चुनौतियां ना दे तब तक चुनावी माहौल गर्म होता ही नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में जेजेपी पर जोरदार हमला बोला था। दीपेंद्र ने जेजेपी को विश्वासघाती पार्टी करार किया और खुली चुनौती देते हुए कहा था कि जेजेपी 90 में से एक भी सीट पर जमानत बचा कर दिखाए। मैं तो कह ही चुका हूँ कि जेजेपी पार्टी को मैंने चुनौती दी है, प्रदेश में 90 सीटें हैं, वो किसी से एक सीट से भी अपनी जमानत बचाए अगली बार, वो विश्वासघाती पार्टी साबित हुई है। इसने पार्टी ने अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, बीजेपी को करो जमुना पार के नारे के विपरीत बीजेपी का समर्थन किया, इन्होंने बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, 5100 बुढ़ापा पेंशन का नारा दिया और आज तक 5 साल में पेंशन नहीं आई, इन्होंने किसान आंदोलन में किसान के साथ बड़े विश्वासघात किया, इन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं हो सकते, फिर उसी हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने वापस ले दिए कानून, इन्होंने महिला पहलवान आंदोलन के अंदर जो है आरोपी का साथ देकर इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ बेटियों के साथ पहलवानों के साथ विश्वासघात किया, उससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी के साथ क्या किया, जो पुरानी पार्टी थी या परिवार के साथ क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदरूनी मामला है, मगर कोई एक ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके साथ इन्होंने विश्वासघात नहीं किया। एक उत्तर प्रदेश के कानपुर में, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगती है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, वहाँ पर एक दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, उसका नाम है ठगू के लड्डू, वो फेमस दुकान है, उसके नीचे लगा हुआ है एक टैग लाइन, जैसे टैग लाइन होती है ना भाई, कि ऊपर हुआ फिर नीचे एक टैग लाइन है उसकी कि भाई कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हमें ठग हम जिसने जिसको हमने ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी, ये पार्टी उस ठग्गू के लड्डू की दुकान की फ्रेंचाइजी, राजनीतिक फ्रेंचाइजी हरियाणा में लेके आई, इन्होंने सबको ठगने का काम किया। उसके बाद यहाँ से जब दुकान बंद होती दिखी तो राजस्थान पहुँच गए, वहाँ के राजस्थान के लोगों तक खबर हमने पहुँचा दी थी पहले कि भाई ये वाली फ्रेंचाइजी है वहाँ, आपने देखा। मैं उसके नतीजों पर नहीं जाना चाहता, मगर हरियाणा के अंदर भी लोग इस विश्वासघात का बदला वोट की चोट से लेंगे। मैं चुनौती देता हूँ 90 की सीटों में अपनी जमानत बचा के दिखाएं। अब दीपेंद्र के चैलेंज का जेजेपी नेता जवाब ना दे ऐसा भी हो ही नहीं सकता। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के सामने मीडिया ने दीपेंद्र की चुनौती का जिक्र किया तो अजय से सवाल का जवाब देते नहीं बना, और ईवीएम का सहारा लेते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आप उनसे ये कहो कि पहले आप अपना संगठन बना लो, 10 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, रोजाना लठम लठ रहते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे बैठ नहीं सकते, वो लोग भी सौपन देख रहे हैं सत्ता में आने के। दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो काफ़ी आक्रामक जो है जेजेपी के ऊपर हैं, वो कह रहे हैं कि 90 की 90 सीटों में इस बार जेजेपी की कहीं पर भी जमानत नहीं बचेगी। अब वो तो चुनाव होने दो, ये फैसला तो पब्लिक ने करना है, दीपेंद्र हुड्डा कैसे फैसला कर सकते हैं, क्या वो ईवीएम के कोड है क्या? अब किस पार्टी के सिर पर जीत का तार सजेगा और किस पार्टी की जमानत जब्त होगी ये तो आने वाले चुनाव और उनके नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल चुनावों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहेगा। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।